गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चों कैसे हैं आप लोग? बेटा नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.1। अभी चल रही थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है, हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, और आपको होमवर्क भी दिया था, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं ऑफ किसके, ऑफ नंबर ऑफ आवर फॉर विच अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉज देखा गया टेलीविजन ड्यूरिंग द हॉलीडे इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको दे रखा है गिवन ग्राफ, एक ग्राफ दे रखा है, उसके थ्रू आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ आवर्स। दिखाता हूं कौन सा ग्राफ है, ये वाला, ये आपको दे रखा है। देखो ग्राफ समझने, इसको क्या दे रखा है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, इतने घंटे टीवी देखी गई है, वॉच्ड पर डे, एक दिन में इतने घंटे टीवी को देखा गया है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5, इस तरीके से दे रखा है। ये हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया है, ये क्या, व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब चार स्टूडेंट कितने घंटे देखते हैं, ये दे रखा है चार, 8 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट 16 20, इस तरीके से हमें स्टूडेंट की लिस्ट दे रखी है। इज इट क्लियर, कुछ समझ आया हिस्टोग्राम क्या दे रखा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो आवर्स दे रखे हैं फॉर विच द स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन, जो टीवी देख रहे हैं ड्यूरिंग हॉलीडे छुट्टी के वक्त, इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। हमें आंसर करने कुछ क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम, हाउ मेनी आवर्स पूछा जा रहा है, डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मैनी सुबह मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, तो देखो कितने देख रहे हैं हमारे 4 और 5 आवर्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे टीवी देख रहे हैं। देख लो हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच, हाउ मैनी आवर्स, तो कितने दे रहे हैं 4-5 आवर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने आ रहे हैं मेरे 32 आ रहे हैं, तो 4 और 5 आवर्स में मेरे 4-5 आवर्स में मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट टीवी देख रहे हैं। ठीक है, 4-5 डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, लेस देन 4 आवर से कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, हाउ लेस देन 4 आवर्स, ये 4 आवर है, लेस देन 4 आवर्स, इधर वाले होगा 22, ये कितना हुए 8 30 34, हाउ मच, सो 34 स्टूडेंट, हाउ मच बेटा 34 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, इतने बच्चे हैं जो टीवी कितने घंटे देख रहे हैं 4 घंटे से कम देख रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन, कितने स्टूडेंट ने स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी, मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, ये 5 आवर्स से मोर देन 5, इधर वाला आएंगे 8 + 6 = 14 तो कितना है मेरा 14 इज द राइट आंसर, 14 स्टूडेंट है जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहे हैं। हिस्टोग्राम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हिस्टोग्राम बना के दे रखा है उसने, अब वे आपसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि बताइए क्या है इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन को किया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चले आगे, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन में भी अब डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मजेदार एक्सरसाइज है, पाई चार्ट बनाना सिखाना, ये सब सिखाऊंगा आज मैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.2, एक्सरसाइज कौन सी है 5.2, पाई चार्ट क्या होता है बेटा, पहला एक मुझे चीज बतानी, पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, एक तरह का सर्कुलर चार्ट है, व्हाट इज दिस सर्कुलर, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट, एक सर्कुलर चार्ट को मैं बोलता हूं जिसके अंदर या तो परसेंटेज में डिवाइड होगा या वो एंगल में डिवाइड होगा। अगर परसेंटेज में डिवाइड होता है ना तो इसका पूरे का सम कितना आना चाहिए, देख मैं 100%, कितना आता है 100, देखो 40 50 60 70 और 30, 100% करेक्ट, आप चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो 20 degree 40 degree, लेकिन उस पूरे एंगल की डिग्री कितनी होती है, पूरे सर्कल के एंगल की डिग्री कितनी होगी 360,
ये पाई चार्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरा सवाल परसेंटेज पर है तो टोटल जो मेरा सर्कुलर है ये पूरा रीजन, इसका पूरा कितना आएगा मेरा, अगर मेरा परसेंटेज 100% टोटल होना चाहिए, देख लो 100 ही आ रहा है। और अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर डिग्री में दे रखा है तो टोटल मेरा कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। कितना आता है, 360। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा, है ना, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। एक सर्वे हुआ, वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक सर्वे हुआ जिसके अंदर ये देखा डिफरेंट टाइप की म्यूजिक्स, डिफरेंट टाइप्स की म्यूजिक्स कुछ यंग लोगों में देखा गया जो सिटी में लाइक किए जाते थे। एडजॉइनिंग पिक चार्ट, दिस इज द पाई चार्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। आपको बताना है क्या, तो सेमी क्लासिकल जो आपका म्यूजिक था वो 20% लोग को ज्यादा पसंद था, लाइट वाले जो साउंड थे म्यूजिक थे वो 40% लोग यंग पीपल लाइक करते थे, फॉक म्यूजिक को 30%, क्लासिकल म्यूजिक को 10% लोग। ठीक है, ये आपको एक डेटा दे रखा है, ड्रॉ है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। आपको पूछ रहा है इस पाई चार्ट से मुझे आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो कितने यंग पीपल सर्वे में होंगे। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, तो देखो 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक पूछा, क्लासिकल म्यूजिक कहा है मेरा, दिस इज माई क्लासिकल म्यूजिक। तो देखो, देखिए आप 20 पीपल में लाइक करते हैं, क्या लाइक करते हैं बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक। तो अगर ये 10% है, 10% 20 को पसंद करते हैं, तो बता दो मुझे इसको अगर 100% करूं, अगर मैं इसको 100% करूंगा तो ये भी तो 10 से मैंने मतलब भी तो 100 आता, इसको भी तो 10 से करूंगा ना, कितने आ जाएंगे लोग, 200 पीपल। कितने आएंगे बच्चों, 200 पीपल लोग हैं जो यंग पीपल को सर्वे किया गया। समझ आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, 20 के करस्पॉन्डिंग कितने परसेंटेज दे रखा है, 10%। तो 10% 20 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स के लिए। आया समय, तो आंसर कितना आया, 200 पीपल यंग पीपल वर सर्वेड। ये इस तरीके से आप लिखोगे, शॉर्टकट नहीं करना है। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। किस टाइप की म्यूजिक को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक करते थे, देखिए कौन से कितने कौन से मैक्सिमम परसेंटेज से पता कर सकता हूं सर, 40%। लाइट म्यूजिक को लाइक करते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। विच म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, क्लियर हुआ, लाइट म्यूजिक को लाइक करते थे, क्लियर हुआ बच्चों। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, अगर कैसेट कंपनी बनाना चाहती है 1000 सीडीज, ठीक है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, कितने टाइप का वो बनाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1000 बनाना चाहती है तो सबसे पहले टेबल बना दो, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप, सेमी क्लासिक का पहले, सेमी क्लासिक, नेक्स्ट कौन कौन सी म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, नेक्स्ट लाइट म्यूजिक, नेक्स्ट फॉक म्यूजिक, ये लिखना आपको, सॉल्व करना। अब क्या पूछ रहा है, अगर टोटल कितना दे रखा है, अगर 1000 सीडी बनाई जाए, 1000 सीडी टोटल मुझे दे रखी है, कितनी सीडी, 1000, कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 सीडीज बनानी है, ये मुझे गिवन है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, कितने हर एक टाइप के बनाए जाएंगे। तो ये कितना दे रखा है मुझे नोट करें, सेमी क्लासिक कितना दे रखा है, 20%, ये कितना दे रखा है, क्लासिकल म्यूजिक 10%, लाइट म्यूजिक कितना दे रखा है, 40%,
और फॉक म्यूजिक कितना दे रखा है 30%। उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब देखो निकालो 20% ऑफ 1000, 20% निकालना है मुझे 1000 का, तो कितना आया 200। तो मेरे पास हो गया क्या 200 सीडी हो गई मेरी सेमी क्लासिक की। नेक्स्ट 10% 10/100 × 1000, 0 से 0, 0 से 0, 100 हो गई हमारे पास किसकी क्लासिकल म्यूजिक की। लाइट म्यूजिक का 40/100 × 1000, 0 से 0, 0 से 0, 400 आ गया मेरे पास सीडी किसकी लाइट म्यूजिक की। फिर आता फॉक म्यूजिक, हजार सीडियां हैं, आंसर आ गया 300। तो देख लो 400, 300, 700, 800, 1000, और हमारा 1000 ही आ रहा है टोटल। आया समझ? तो हमने इंडिविजुअल निकाल के दे दिया सेमी क्लासिक म्यूजिक कितनी है, क्लासिकल म्यूजिक कितना है, लाइट म्यूजिक कितना है, फॉक म्यूजिक हमारे पास कितना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी समर एंड, ये दे रखा है रेनी समर एंड विंटर हमें दे रखा है। नंबर ऑफ वोट दे रखे 90, 120, 150। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, क्वेश्चन देखो कौन सा सीजन मोस्ट वोट है, देख लीजिए विंटर सीजन। हाउ मच इसका दे रखा है विंटर सीजन, आंसर है मेरा विंटर, विंटर सीजन में सबसे ज्यादा वोट है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, आपको सेंट्रल एंगल निकालना है फॉर ईच सेक्टर, क्या निकालना है सेंट्रल एंगल निकालना है हर एक सेक्टर का। तो देखो 90 समर का निकालो पहले, समर का क्या होगा जल्दी से बताओ, समर का बताइए 90 कितने में से, कितने में से 360 में से, सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 से होगा तो कितना आएगा 90 डिग्री, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट निकालता हूं मैं रेनी का, कितना आएगा बच्चों रेनी में 120 है आउट ऑफ 360, लोग इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, यही तो आएगा 120 डिग्री। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। लास्ट है आपका विंटर, हाउ मच विंटर सीजन में कितना हमारे पास 150 × 360 × 360, ये गया यू विल गेट 150 डिग्री, टोटल करो 360 आएगा 250, 270, 90, 360 डिग्री। इससे मैंने क्या निकाल दिया, मेरा क्या निकाला बच्चों, इससे मैंने बना दिया क्या बना दिया विंटर सीजन। फाइंड द सेंट्रल एंगल वी कैन इजीली फाइंड आउट, मैंने निकाल दिया। ड्रॉ ए पाई चार्ट, अब आपको पाई चार्ट बनाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, पाई चार्ट कैसे बनाओगे, पाई चार्ट आप कैसे बनाओगे। तो आपके पास देखो 90, 120 ये सब दे रखा है, बनाना कैसे, कोई भी सुनना गौर से सुनना, कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, यू हैव टू ड्रॉ कोई भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करें, ये आपका होमवर्क है, पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है। मैं नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको ड्रॉ घर पे करना है कि एक सर्कल है, एक पर्टिकुलर रेडियस ले लिया, इसका सेंटर मैंने माना ओ और ये मैंने लिखा ओ ए, क्या लिखा यहाँ एक रेडियस, ये मैंने नाम दे दिया ओ ए, कोई डाउट है क्या। सबसे पहले समर किसी का बना 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे तो होगा, इसका नाम दे दो बी, दिस इज माई 90 डिग्री, कोई डाउट है किसी को। अब क्या है नेक्स्ट, ये हो गया मेरा समर का, ये किसका हो गया बच्चों मेरा समर, लिख सकते हो आप समर। नेक्स्ट रेनी का 120, तो यहां पर रखोगे वो डी, डी देखा है आपने इस तरीके का डी होता है, इसको बोलते हैं चांद, इस तरीके के एंगल दिए होते हैं, दिए होते हैं ना एंगल्स, या कुछ दिए होते हैं एंगल्स कि नहीं दिए होते बताओ, जीरो ऐसे दिए होते हैं, 10 डिग्री, 20, 30, 40 इस तरीके से दे रखी होती है वैल्यू, ये होता है डी, इसको बोलते हैं डी। तो आप यहाँ रखोगे डी, फिर एंगल बनाओगे 120 अप्रोक्सीमेट के यहाँ पर आएगा, ये हो गया मेरा 120, कितना मान लेता हूँ अंदाजे से 120 है मेरा, ये मानते रेनी और रेनी में क्या हो गया 100, और बाकी जो बचा वो क्या होगा आपका विंटर होगा, बाकी क्या होगा बच्चों विंटर होगा 150 डिग्री का, ये आपको ड्रॉ करना है, दिस इज व्हाट पाई चार्ट, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, जो एक सर्कुलर चार्ट होता है, इस तरीके से बेटा आपको ड्रॉ करना है पाई चार्ट, बनाओगे अभी घर के अंदर होमवर्क करोगे क्वेश्चन, क्लियर है, मैंने बता दिया डी को यूज करते हुए आपको
बनाना है. कोई भी रेडियस का ले सकते हो सर्कल और आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो उस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा. आगे की तरफ आया क्वेश्चन, तो ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आए. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. द टेबल शो द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ. ग्रुप ऑफ क्या प्रिफर्ड कर रहा है? ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. द टेबल शो द कलर प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल. आपको पाई चार्ट बनाना है जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है. टेबल दे रखी है आपको जो कलर बता रही है प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. जो कलर टेबल जो कलर प्रिफर्ड कर रहे हैं ग्रुप ऑफ, ब्लू कलर को नंबर ऑफ पीपल 18 लाइक कर रहे हैं, ग्रीन को 9, रेड को 6, येलो को 3, 36 ये दे रखा है. ठीक है, द ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. द टेबल शो द कलर प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, तो देखिए बनाते हैं पाई चार्ट. तो पाई चार्ट के लिए बनाते हैं. ब्लू के लिए क्या करें भाई? ब्लू क्या है? 18 है. कितने में से? कितने में से? 36 में से. कितने में से? 36 में से पाई चार्ट बनाना है. तो ये कितना? 360 से कर दें. इज इट क्लियर? डिग्री पे आएगा ना. 36 1 जा 36 10 180 डिग्री. ब्लू कितना आ रहा? 180. नेक्स्ट देखो ग्रीन कलर. ग्रीन कितना आ रहा है चेक करें. ग्रीन है सर हमारे पास 9 आउट ऑफ 36 इंटू 360. 10 टाइम्स यह आ गया बच्चों 90 डिग्री. नेक्स्ट येलो नहीं रेड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? रेड है सर. रेड है हमारे पास 6 आउट ऑफ 36. हमें सेंट्रल एंगल निकालना है. कितना आया बच्चों? गया ये 10 टाइम्स तो आया 60 डिग्री. आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? इजी क्वेश्चन है ना. पाई चार्ट ड्रॉ करना है. नेक्स्ट है बच्चों येलो. येलो का क्या आ रहा है बच्चों? येलो का ऐसा 3. कितने में से? 36 में से 360 का. 10 टाइम्स यू विल गेट 30 डिग्री. लास्ट हो गया येलो तक, बस यही तक है. देख लो टोटल करो 360 होगा. 180, 90, 60, 360 ही हो रहा है. पाई चार्ट ड्रॉ करना है. ये बनाया पाई चार्ट मैंने. पाई चार्ट बना दिया. अब ये सेंट्रल पॉइंट ये हो गया 0. इसका नाम दे दो ए. एक पर्टिकुलर रेडियस से आप ये सर्कल बनाओगे. ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जैसे डिपेंड करता है आपको. तो सबसे पहले तो क्या है, 180 बना दें. 180 कैसा होगा बच्चों? ऐसे तो होगा. ओ ए, इसको बी नाम दे दो. ये क्या होगा? 180 किसके लिए है? ब्लू कलर है हमारा. विच कलर? ब्लू. आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है बच्चों? ग्रीन है 90. यहां से हम 90 बना दो ग्रीन को. यहां रखो कंपास. ये बन गया, यहां रखा कंपास और ये हो गया मेरा 90. क्या हो गया ये? 90. मतलब कंपास क्या, डी रखोगे और 90 बनाओगे यहां पर रख के. फिर डी रखोगे यहां पर 90. अब क्या दे रखा? ग्रीन के बाद क्या दे रखा बच्चों? रेड दे रखा है. रेड दे रखा है ना. रेड है 60. यहाँ रखोगे बेटा कम, वो डी रखोगे 60 आ जाएगा तुम्हारे यहाँ तक. अंदाजे से यहाँ समझ लो यहाँ तक आएगा 60 आपका. मान लो आपका 60 आ गया यहाँ पर. हाँ आ गया. ये मेरा क्या हो गया बच्चों? 60. लास्ट मेरा कितना बचेगा? 30 डिग्री. 60 किसका है बेटा? रेड का है सर. 60 आ गया हमारे रेड का और 30 हो गया हमारे ग्रीन कलर का. 30 हो गया सॉरी येलो. 30 किसका बेटा? येलो का है. ये मेरा पाई चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया. इस टोटल सम इसका कितना होगा? 360 होगा सर. 360 होगा हमारा इसका टोटल सम. उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ. बना दोगे पाई चार्ट? डी यूज करना है इसको ड्रॉ करने के लिए. मैंने इंडिविजुअल निकाल दिए डिग्री पर और हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया. द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस. इफ द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट. टोटल मार्क्स दे रखा है. कितना दे रखा है टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स मुझे गिवन है हाउ मच? टोटल मार्क्स दे रखे हैं बच्चों 540. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. तो पहले देखो हमें दे रखा है डेटा. वी हैव ए गिवन डेटा. हमें डेटा दे रखा है, देख लीजिए. तो कितना दे रखा है हमें? देखो बेटा हमें सोशल साइंस का दे रखा है. किसका पूछ रहा है हमसे? सोशल साइंस. देखो तो ये बोल रहा है हिंट फॉर 540 द सेंट्रल. तो देखो 540 मार्क्स
के लिए मेरा सेंट्रल एंगल क्या होगा? टोटल है ना ये 360 होगा, 360 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे से पूछ रहा है तो 105 व्हाट इज द, ये तो 105 के लिए क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सोशल साइंस दे रखा है मुझे, इन दिस सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस में 105 मार्क्स स्टूडेंट के आ रहे हैं ये पता करना। देख लो सोशल साइंस जिसका भी लेना चाहो, 540 मार्क्स अलग अलग ले लिए मैंने, 65 तो मुझे मार्क्स नहीं पता, तो 1 मार्क्स क्या होगा मुझे नहीं पता, या 1 मार्क मान लेता हूँ मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो कितना हो गया इसके लिए एंगल? सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 65 कितना हुआ बच्चों, 65 डिग्री हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 360 अपॉन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चाहो तो देखो कर सकते हो, ये जीरो से जीरो कटा, मैं इसको पूरा करके बताता, ये बहुत लंबा हो जाएगा, देखो आपको सिंपल तरीके से करके बता रहा हूँ मैं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 36 को ये गया 18 बार, ये गया 2 2 4 और ये आ गया 2 7 14, ये 2 3 6 18, 3 9 27, 2 3 2 6, 3 3 9। तो एक मार्क्स कितना होगा, एक मार्क के लिए क्या होगा जल्दी से बता दो, 2/3 होगा कि नहीं होगा? एक मार्क के लिए क्या होगा, 2/3 होगा बच्चों कि नहीं होगा? x मान लेता हूं तो 3x, ये हो गया आपका कितना आएगा, 2/3। अब देख लो किसमें 100, ये आ रहे हैं आपके नंबर, तो 3 को अगर मैं करता हूँ किससे, सोशल साइंस मेरा 65 है, कितना आ रहा है ये 65 आ रहा है मेरा, है ना, तो 65 है तो कितना आ रहा है जल्दी से देखो, 2/3 हो गया 65। तो देखिए क्वेश्चन वापस देखें, द एडजनिंग पाई चार्ट दे रहा है इन्फॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश का, ये ऑप्टेंड बाय द 540 मार्क्स ये दे रखा है आपको। आंसर इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपका, 2/3 आ गया है ना, 2/3 आपका आ गया ना बच्चों, तो 2/3 आ चुका है, 105 किस में आ रहे हैं देख लीजिए, ये देखिए 3 3 9, 10 3 5 15, 5 2 10, 3 0 6 7 70 किस में आ रहे हैं चेक करें, 70 आ रहे हैं सर हमारे हिंदी में, तो हिंदी का हमारा आंसर क्या हुआ राइट आंसर सर हो गया, हिंदी इज द राइट आंसर, आया कुछ समझ, हिंदी मेरा राइट आंसर है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, कितने मार्क्स ज्यादा लेके आ रहा है स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो देख लो कंपेयर कर दो मार्क्स मोर देन, तो कंपेयर करो यार क्या है, मैथ्स और हिंदी का दे रखा है, मैथ्स का है ये 90 और हिंदी का है अपने पास 70, तो 90 में से 70 गया 20, कितना आ रहा है 20 डिग्री का फासला, 20 डिग्री का आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 20 डिग्री, देख लो। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो डिफरेंस आ रहा है 20 डिग्री का, कितना आ रहा है बच्चों 20 डिग्री का आ रहा है हमारा डिफरेंस, क्लियर है, तो कितने ज्यादा वो लेके आ रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो मैथ्स में कितने हमारे पास जल्दी से बताओ, मैथ्स में कितने आ रहे हैं, मैथ्स में आ रहे हैं सर हमारे पास, चार्ट देखो बेटा मैथ्स में कितने हमारे पास, मैथ्स में देखो दे रखा है, मैथ्स में दे रखा है मुझे 90 डिग्री और हिंदी में दे रखा है मुझे कितना, कितना दे रखा है हिंदी में, हिंदी में दे रखा है सर 70, डिफरेंस देखो 90 माइनस 70 में कितना डिफरेंस आया बेटा 20 का आया, 20 का आ रहा है ना, तो जल्दी से बता दो 20 का डिफरेंस आ रहा है मेरा कितने में से, ये तो 20 डिग्री का आ रहा है तो 100 मान लूं है ना, तो ये कितना आ गया 2 5 10, 1 = 5 हुआ, 1 = मेरे पास 5 हुआ। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो 540 मेरा क्या आ रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इज 540, तो निकालना 540 मेरे टोटल मार्क्स है, 1 = 5 आ रहा है तो कितना आगे डिफरेंस देखो, तो मैंने क्या किया बेटा ये निकाला ठीक है, देखिए तो हमने देखा कि 20 = मेरे मैथ्स में 90 है और इसमें 70 है, तो देखो बेटा कितना आ रहा है मेरा, ये आ गया बच्चों 20 डिग्री, 20 डिग्री है नॉट परसेंट है, 20 डिग्री कितने के बराबर है बेटा 360 डिग्री के बराबर है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 20 डिग्री 360 डिग्री के बराबर है, तो ये कितना आ रहा है 18 बार जा रहा है, 18 बार जा रहा है 1 = 18 होता है, 1 = 18 हो रहा है आपका,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 8 बराबर 18, कितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो देखने हैं आपको, 8 बराबर 18 हो रहा है आपका। तो 5 इफ द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540 दे रखा है आपको, ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कराना है मुझे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। कहां से करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट मैं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दो क्वेश्चन इसके अपने और रह गए हैं। ये नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवाऊंगा 4th और 5th, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, 3rd तक क्वेश्चन की उतना करिए, 4th और 5th में नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।